हाँ तो ये कोई क्लिक बेट नहीं है, हम सच में यही जानने वाले हैं कि हमें पेन टूल कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं हमारे पॉइंट्स, लेकिन इनको डिस्कस करने के पहले मैं आप सभी को मेक विद होम की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जिन इमेजेस का बैकग्राउंड ब्लैक है या वाइट है, उन इमेजेस का सब्जेक्ट बड़ी ही आसानी से ब्लेंडिंग ऑप्शंस को छेड़ के या फिर ब्लेंड इफ की मदद से सिलेक्ट हो जाता है 90% ऑफ द टाइम। सेकेंड पॉइंट ये है कि जिन इमेजेस का कॉन्ट्रास्ट सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का काफ़ी क्लियर होता है, उनको हम बड़ी ही ईजिली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करवा सकते हैं फोटोशॉप की मदद से, क्योंकि हम इससे एक बार सिलेक्ट करके और ब्रश से डायरेक्ट मास्क में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके हमें बहुत ही सुंदर सिलेक्शन मिल जाता है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सभी इमेजेस में ये चीज़ काम करती है, नहीं, लेकिन बहुत सी इमेजेस में काम करती है ये चीज़, क्योंकि हम कई बार सच में पेन टूल से टाइम वेस्ट करते हैं जबकि वो फोटोशॉप हमें बड़ी ही जल्दी 2 सेकंड में सिलेक्ट करके दे सकता है। तो आप कभी भी कुछ भी सिलेक्ट करने बैठें तो एक बार सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन या क्विक सिलेक्शन या जो भी आपको लगे कि ये कहीं सिलेक्ट करके दे सकता है क्या, वो एक बार ट्राई ज़रूर कर लें, शायद आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप इस तरह के इंपॉर्टेंट फोटोशॉप वीडियोज़ मिस कर देंगे जो कि हर हफ्ते हिंदी में आते हैं। और लास्ट पॉइंट मेरा है कि टाइम बचाने के लिए आप पेन टूल को थोड़ा साइड में रख दें और बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स जो दिए हुए हैं उन पे ध्यान दें। और इससे मेरा पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई बड़ी इमेज पे काम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी इमेजेस का कॉम्पोजिशन है, तो उसमें बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती हैं जो काफ़ी छोटी होती हैं या बैकग्राउंड में एकदम होती हैं, ब्लर होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ, तो वैसे केस में पेन टूल का परफेक्शन जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है 90% ऑफ द टाइम। और मेरा तरीका है कि मैं कभी भी कोई कॉम्पोजिशन बनाने जा रहा होता हूँ तो उसका पहले एक बार प्रैक्टिस एक डेमो वर्जन बना लेता हूँ जिस पे मैं कम्प्लीटली ऑटो सिलेक्शन पे डिपेंड करते हुए वो कॉम्पोजिट करता हूँ और देख लेता हूँ कि वर्क करने भी वाला है कि नहीं। इससे मेरा टाइम भी बच जाता है क्योंकि अगर मैं पेन टूल से सिलेक्ट करने के बाद अपना फाइनल डायरेक्ट बना रहा हूँ और उसके बाद वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो मुझे कम्प्लीटली वापस जाके वापस से चीज़ों को करना पड़ेगा, मे बी कई बार इमेजेस चेंज करनी पड़ जाती हैं, तो ऐसे केसेस में वो चीज़ काफ़ी हेल्प कर देती है, काफ़ी टाइम और एनर्जी दोनों भी बचा लेती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कुछ बनाएं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें।